जेई में 2027 जनवरी का एक पेपर है जिसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन क्या है? पहले ए रिएक्शन है सी एच थ्री होल थ्राइज सी सी एच ओ एस सी एच थ्री कॉन्सेंट्रेटेड एच टू से फोर से रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट होगा। दूसरा है, दूसरी रिएक्शन है सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच सी एच बी आर सी एच थ्री एल्कोहलिक के ओ एस से कराएं तो क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट होएगा। सी रिएक्शन है, सी पार्ट है कि सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच सी एच बी आर सी एच थ्री की रिएक्शन करवाएं हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो एक्चुअल पेपर है उसमें उन्होंने सी एस थ्री होल ट्वाइस, ये आई मेड मिस्टेक, इट इज सी एस थ्री होल थ्राइस एक्चुअली, उन्होंने यहाँ पर सी एस थ्री होल थ्राइस ओ माइनस दे दिया है और के प्लस, ठीक है ना। ये कुछ गड़बड़ करी है उन्होंने एन टी ए वालों ने, तो मेरे ख्याल से वो इसको या तो बोनस करेंगे और इन माई ओपिनियन इट शुड बी सी एस थ्री होल थ्राइस सी ओ माइनस, दैट मीन्स टर्शरी ब्यूटॉक्सी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सोडियम पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बल्की बेस। बल्की बेस हमेशा सेटजेफ एल्किन बनवाता है, वही क्वेश्चन भी है। और एक ये है सी एस थ्री होल ट्वाइस सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ, ये है एल्डॉल टाइप की रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, इसको हीट करना है। क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि विच आर दीज रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेटजेफ प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन या कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। एक एक करके देखते हैं। रिएक्शन ए क्या है भाई? ए है सी एच थ्री होल थ्राइस सी, ठीक है ना, सी एच ओ एच और सी एच थ्री, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो H2SO4 से तो इसमें से H+ निकलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, वो H+ इस OH को प्रोटोनेट करवा देगा। तो प्रोटोनेट करने से यहाँ पर तीन सी एस थ्री, मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूँ, और ये प्रोटोनेशन के बाद ये क्या बन जाएगा OH2+ और साथ में क्या बन जाएगा भाई सी एस थ्री, इसमें से H2O निकलेगी। तो H2O के निकलने के बाद ये बन जाएगा एक कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इस कार्बोकेटाइन में होगा एक रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक टर्शरी कार्बोकेटाइन जो इस सेकेंडरी से एग्जिस्टिंग सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, जब ये एल्कीन बनवा रहा होगा, ये एक ईवन रिएक्शन का केस है, जब ये एल्कीन बनवा रहा होगा H+ को निकलवाकर, तो एक एल्कीन ये इधर से बना सकता है जो कि हॉफमैन प्रोडक्ट है, और एक एल्कीन ये इधर से बनाएगा जो कि सेटजेफ प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेटजेफ वाला, तो यही मेजर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, मेजर प्रोडक्ट इसका होगा सी डबल बॉन्ड सी, और ये दिस इज ए सेटजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेटजेफ प्रोडक्ट बना रहा है। और हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन ए इज नॉट आर आंसर, ठीक है ना। रिएक्शन बी को देखते हैं। बी में इन्होंने क्या किया है, सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच लिया है और इस पर सी एच बी आर लेकर सी एच थ्री कर रहे हैं। एल्कोहलिक के ओ एच की रिएक्शन होगी, एल्कोहलिक के ओ एच में ई टू रिएक्शन होती है। ई टू रिएक्शन में क्या होता है, साथ के साथ, यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कर लें, या एक बीटा एच यहाँ पर है और ब्रोमो यहाँ पर है, ठीक है ना, ठीक है। तो बेस क्या करता है, ये फर्स्ट रिएक्शन ये हो चुकी है, फर्स्ट रिएक्शन इज ओवर। बेस क्या करता है, बेस एल्कोहलिक के ओ एच आर ओ माइनस इसमें से निकलेगा, ये इसको निकाल के ले जाता है एच प्लस को, और बिल्कुल एक सिंगल स्टेप में एल्कीन बनता है, और वो भी सेटजेफ एल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, सेटजेफ एल्कीन, ये भी सेटजेफ एल्कीन बनाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि कौन सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में इन्होंने सी एच पर दो मिथाइल लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर लिया है सी एच पर एक ब्रोमो और उसके बाद सी एस थ्री लिया। इसकी रिएक्शन करवाई है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से,
ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक स्टेबल, ये एक बल्की बेस है, और बल्की बेस जब E2 रिएक्शन करवाता है, बल्की बेस जब E2 रिएक्शन करवाता है तो वो भी ऐसे ही पास वाले बीटा एच को निकाल के ले जाता है और हाथों के हाथ साइमल्टेनियसली Br- ऑल्सो गोज ऑफ। तो अब इस बल्की बेस के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ब्रोमो के रिस्पेक्ट में दो तरह के बीटा एच है, एक इधर की ओर बीटा एच है जो कि लेस क्राउडेड पोजिशन पर है, और एक इधर की ओर बीटा एच है जो मोर क्राउडेड पोजिशन पर है। बट बल्की बेस प्रीफर्स टू टेक अवे बीटा एच फ्रॉम लेस क्राउडेड साइड, एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस केस में ये हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा, हॉफमैन एल्कीन, इन दोनों में सिटजेफ एल्कीन बना था, ठीक है ना, सिटजेफ एल्कीन, इसमें भी सिटजेफ एल्कीन बना था, लेकिन इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो हमारा आंसर हो चुका है, सी इज वन ऑफ द आंसर्स। डी भी चेक कर लेते हैं, डी में इन्होंने एक प्रोडक्ट बनवाया है एल्डॉल, देख रहे हो क्या, यहां पर OH भी लगाया और यहां CH2 के बाद CHO लगाया। इसको अगर आप हीट करोगे ना तो इसमें से H2O निकलेगा, यहां से H, यहां से OH और यहां से H, ठीक है ना। तो ये भी क्राउडेड पोजीशन का ही केस है, ये भी क्राउडेड पोजीशन का ही केस है, और इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक सिटजेफ जैसा, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है E1CB, इसका मैकेनिज्म है E2, इसका मैकेनिज्म है E2, और इसका मैकेनिज्म है E1। तो ये एलिमिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, E1 भी है, E2 भी है, E1CB भी है, लेकिन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर होगा ओनली सी, विच इज ऑप्शन 1 इन द कोड, ठीक है। चेक करें इसको।